Assalamu alaikum class, welcome to the first video of our fourth lecture. Today's lecture is about intent and intent filters. What are their types and how can we use intents? So let's get started. जैसा कि आप लोग सबको पता है कि हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, इसी तरह सर्विसेज होती हैं और ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होते हैं. हम आगे के लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सर्विसेज और ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स कैसे होते हैं. अब एक्टिविटी, सर्विस और ब्रॉडकास्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू एक्टिवेट और जम्प फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर एक्टिविटी, वी यूज इंटेंट्स. अब इंटेंट जो है वो जब हम किसी एक्टिविटी को लॉन्च करते हैं तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होल्ड करता है या डाटा होल्ड करता है, अगर हम उस एक्टिविटी में कोई डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं. जब भी हमने कोई एक्टिविटी लॉन्च करनी होती है, हम एक इंटेंट बनाते हैं और स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड कॉल करते हैं. इस तरह सर्विस स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट सर्विस का मेथड कॉल करते हैं. अब जब हम इंटेंट क्रिएट करते हैं कोई भी एक्टिविटी लॉन्च करने के लिए, तो उस इंटेंट की कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है जो कि एक बंडल की फॉर्म में होती है. उसमें जो लॉन्चिंग एक्टिविटी है उसका एक्शन हो सकता है, उसका डाटा हो सकता है, उसकी कैटेगरी हो सकती है. इन सब चीज़ों के बारे में हम बस अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि इंटेंट के साथ हमें देने पड़ते हैं एक एक्टिविटी को लॉन्च करने के लिए. इनमें से सारे कंपोनेंट्स देने की रिक्वायरमेंट है. अगर आपको देने की, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो एक या दो से भी काम चल सकता है किसी भी एक्टिविटी को लॉन्च करने के लिए. इनमें कंपोनेंट नेम है, एक्शन है, डाटा है, कैटेगरी है, एक्स्ट्राज हैं और फ्लैग्स हैं. कंपोनेंट नेम तो जैसा कि नाम से वाजे है कि ऑब्वियसली जब भी हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जंप करना है तो इंटेंट को उस एक्टिविटी का नाम देना पड़ेगा जिसमें हमने जंप करना है या जिसको एक्टिवेट करना है, उसको कंपोनेंट नेम कहते हैं. उसके बाद आता है एक्शन. एक्शन ऐसे है कि अगर हमारी एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक काम को सपोर्ट करती हैं, जिसको हम एंड्रॉयड की लैंग्वेज में एक्शन कहते हैं, तो हम सिर्फ एक्शन स्पेसिफाई करते हैं तो एंड्रॉयड खुद ही देखता है अपने बैकग्राउंड में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इस एक्शन को सपोर्ट करती हैं, तो उनमें से किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को लॉन्च करता है. किस बिना पे, वो भी हम अभी आगे पढ़ते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता. एक्शन बेसिकली कोई एक काम है जिसको एक्टिविटी सपोर्ट करती हैं, जो कि हम इंटेंट को बता सकते हैं कि उस एक्टिविटी को लॉन्च करो जो कि ये स्पेसिफिक एक्शन सपोर्ट करे. ये कुछ एंड्रॉयड के स्पेसिफिक एक्शंस हैं, जिस तरह के कॉल है, एडिट है. कॉल से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि अगर हमने किसी को कॉल करनी है तो हम कॉल का एक्शन कॉल करते हैं, एक्शन अंडरस्कोर कॉल टाइप करते हैं तो फोन वाली एप्लीकेशन खुल जाती है क्योंकि वो कॉल के एक्शन को सपोर्ट करती है. इस तरह अगर हमने कोई पिक्चर एडिट करनी है या वीडियो एडिट करनी है तो जितनी भी वीडियो और पिक्चर एडिटिंग एक्टिविटीज हैं वो सब एक्शन अंडरस्कोर एडिट को सपोर्ट करेंगी. उसके बाद आ जाता है डाटा फील्ड. ये ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी. फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई पिक्चर एडिट करनी है तो हम पहले एक्शन अंडरस्कोर एडिट तो कॉल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एप्लीकेशन को ये भी बताना पड़ेगा कि जो पिक्चर एडिट करनी है वो फ़ोन में किस मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई है, जिसको हम URI कहते हैं. URI बेसिकली उस पिक्चर का एड्रेस होता है और मेम टाइप होती है कि पिक्चर JPG टाइप की है या PNG टाइप की है. इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है कि अगर हमने एक वेब ब्राउजर खोलना है तो हम एक्शन अंडरस्कोर व्यू कॉल करेंगे प्लस उसकी URI के अंदर वेब एड्रेस देंगे. उसके बाद आ जाता है कैटेगरी. कैटेगरी
डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो भी अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की होती हैं। उसके बाद एक्स्ट्राज, एक्स्ट्राज जो है वो इंटेंट की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टाइप है, और ये बेसिकली यूज होती है कि अगर हमने एक प्रीवियस एक्टिविटी से कुछ डाटा नेक्स्ट लॉन्चिंग एक्टिविटी में सेंड करना है तो हम एक्स्ट्राज के थ्रू सेंड करते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्लैग्स। फ्लैग्स का बेसिकली पर्पज सिर्फ ये होता है कि नेक्स्ट एक्टिविटी को लॉन्च करने से पहले कुछ कंडीशंस चेक कर ले कि कहीं वो एक्टिविटी पहले से तो नहीं लॉन्च, अगर वो लॉन्च है तो उसको क्लियर करना है या उसके पैरेलल ही वही एक्टिविटी और ओपन करनी है। फ्लैग्स का सिर्फ ये मकसद होता है। अब इंटेंट की कुछ टाइप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट इंटेंट्स एंड इम्प्लिसिट इंटेंट्स। एक्सप्लिसिट इंटेंट बहुत इजी हैं और ये इस केस में यूज़ किए जाते हैं जब यूज़र को डायरेक्टली ये पता हो कि मैं जो भी एक्टिविटी लॉन्च करने वाला हूँ इंटेंट्स के थ्रू उसका नाम क्या है। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है एक्टिविटी ए, और एक्टिविटी ए ने एक और एक्टिविटी को एक्टिवेट करना है जिसका नाम है एक्टिविटी बी, तो हम सिंपल इंटेंट को उसका कॉम्पोनेंट नेम बताएंगे एक्टिविटी बी, तो वो एक्टिविटी ए से एक्टिविटी बी लॉन्च कर देगी। लेकिन 99% ऑफ द केसेस यूज़र को ये नहीं पता होता कि मैंने जो एक्टिविटी लॉन्च करनी है उसका नाम क्या है। यूज़र को उसका एक्शन, डेटा, मेम टाइप, कैटेगरी पता होती है, तो उस केस में हम लोग इम्प्लिसिट इंटेंट्स यूज़ करते हैं। 99% ऑफ द केसेस वी यूज़ इम्प्लिसिट इंटेंट्स बिकॉज हमें नाम नहीं पता होता। तो इम्प्लिसिट इंटेंट्स कैसे यूज किए जाते हैं कि हम जो एक्टिविटीज अपनी एप्लीकेशन में डिफाइन करते हैं उनके अंदर हमें एंड्रॉइड इंटेंट फिल्टर्स यूज करने देता है। इंटेंट फिल्टर्स बेसिकली उन इम्प्लिसिट इंटेंट्स के लिए होती हैं जो कि एक्शन, कैटेगरी और डाटा के थ्रू कोई एक्टिविटी लॉन्च करना चाहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि इंटेंट फिल्टर्स क्या होते हैं, तो ये एक हमने एप्लीकेशन बनाई हुई है, इसमें अगर हम देखें तो ये हमारी एक्टिविटीज कुछ डिफाइन हुई हुई हैं एप्लीकेशन के अंदर। हमारी तीन एक्टिविटीज डिफाइन हुई हुई हैं। इन तीनों एक्टिविटी में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें इंटेंट फिल्टर टाइप का एक टैग लगा हुआ है, और इस इंटेंट फिल्टर में मोस्टली सिर्फ दो चीज़ें ही लिखी गई हैं कि ये एक्टिविटी इस एक्शन को सपोर्ट करती है, उसकी कैटेगरी ये है। सिमिलरली स्क्रीन टू टाइप की एक्टिविटी इस एक्शन को सपोर्ट करती है और उसकी कैटेगरी ये है। इसी तरह स्प्लैश नाम की एक्टिविटी किसी एक्शन को सपोर्ट करती है, उसकी कैटेगरी ये है। तो अब अगर हम मेन एक्टिविटी में बैठे हुए हैं और हम एक्शन अंडरस्कोर असिस्ट टाइप को हम एक इम्प्लिसिट इंटेंट बनाते हैं और उसके अंदर हम एक्शन कॉल करते हैं, एक्शन अंडरस्कोर एक्शन डॉट असिस्ट कॉल करते हैं, तो इंटेंट फिल्टर्स के थ्रू इम्प्लिसिट इंटेंट को ये पता लगता है कि कौन सी एक्टिविटीज इस स्पेसिफिक एक्शन या इस स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक डाटा को सपोर्ट करती हैं, तो वो एक्टिविटी लॉन्च हो जाती है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, आपका जो इम्प्लिसिट इंटेंट है वो इंटेंट फिल्टर्स के थ्रू फिल्टर करता है कि यूजर कौन सी एक्टिविटी को लॉन्च करना चाह रहा है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल है, अभी मैंने आपको एक एप्लीकेशन की भी एग्जांपल दी, एक ये भी एग्जांपल है कि एक हमारे पास एक्टिविटी है उसका नाम है ब्राउजर एक्टिविटी, वो इंटेंट फिल्टर में किस एक्शन को सपोर्ट करती है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका डाटा क्या है। तो अगर यूजर को ये पता हो कि मैंने एक चीज व्यू करनी है, मेरा रिक्वायरमेंट एक्शन जो है वो व्यू है और उसकी डेटा टाइप HTTP है, तो वो एक इम्प्लिसिट इंटेंट कॉल करेगा विद एक्शन एक्शन डॉट व्यू और डेटा HTTP। तो एंड्रॉयड सिस्टम को खुद ही पता लग जाएगा, वो इस इंटेंट फिल्टर से आगे देखेगा
कि ब्राउजर एक्टिविटी नाम की एक्टिविटी है जो कि इस एक्शन को और डाटा को सपोर्ट करती है, तो वो ब्राउजर एक्टिविटी को लॉन्च कर देगा। इसी तरह ये एक और एक्टिविटी है एक्टिविटी टेस्ट, उसकी एक्शन सेंड है और डाटा प्लेन है। दिस इज द एंड ऑफ आवर स्लाइड्स ऑफ इंटेंट एंड इंटेंट फिल्टर्स। नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंटेंट और इंटेंट फिल्टर्स की एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, जिसमें हम एक्सप्लिसिट इंटेंट्स और इम्प्लिसिट इंटेंट्स दोनों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।